एक और मरूफ अदाकार और मजाकिया शायर इस दुनिया फानी से कूच कर गए अदाकार अथर शाह खान उर्फ जेदी आज सुबह वफात पा गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही भारत के मरूफ अदाकार इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे लेजेंड हीरो इंतकाल कर गए और आज पाकिस्तान के मरूफ और सीनियर अदाकार अतहर शाह, जिन्हें आप जेदी के नाम से भी जानते हैं, वो भी इंतकाल कर गए। जेदी साहब पिछले कुछ साल से फालिज के मर्ज में मुबतला थे और आज ज़्यादा तबीयत खराब होने पर इंतकाल कर गए। अदाकार की फैमिली में इनकी अहलिया और चार बेटे हैं। जेदी साहब ने बहुत से ड्रामे किए लेकिन हेलो हेलो हाय जेदी बाद बाहम लहजा होशियार इंतजार फरमाइए इनके मकबूल ड्रामों में से एक है। जेदी का किरदार इनकी शख्सियत की पहचान बना। जेदी साहब की अंग्रेजी सुनकर तो लोग लोटपोट हो जाते थे। उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी तहरीर की। इसमें कोई शक नहीं कि जेदी साहब पाकिस्तान इंडस्ट्री का बेहतरीन असासा थे जिनसे आज पाकिस्तान महरूम हो गया है। इनके मजाकिया शेरों में एक शेर ये भी है, या रब दिले जेदी को एक जिंदा तमन्ना दे तो ख्वाब के प्यासे को ताबीर का दरिया दे। या रब दिले जेदी को एक जिंदा तमन्ना दे तो ख्वाब के प्यासे को ताबीर का दरिया दे। इस बार मका बदलूँ तो ऐसी पड़ोसन हो जो कल्ब को गर्मा दे और रूह को तड़पा दे। खुदा इनकी मगफिरत फरमाए, आमीन।